हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब्स विद तनीषा। मैं होप करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड अभी रात के बज रहे हैं 12, बजने वाले हैं मतलब जस्ट 10 मिनट बाद अगर आपको दिखेगा तो। मैं दिखा दूँगी अभी बैक कैमरा से। एंड मैं कंप्लीट कर रही हूँ अपना असाइनमेंट। इतने सारे असाइनमेंट्स मिल जाते हैं ना गाइस कि मैं बस क्या बताऊं। एंड दिन में आजकल मैं थोड़ी सी मतलब ऐसी हो रही हूँ, बिजी बिजी सी, क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब मम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल मम्मी को डॉक्टर के पास भी लेके जाना है। देखती हूँ मैं भी जाऊँगी शायद, या फिर मम्मी और पापा जाएंगे, पता नहीं। बट मेरा दिल है कि मैं भी जाऊं और डॉक्टर से सारी बात पूछ के आऊं। मम्मी को ना बहुत ज़्यादा मतलब पेट में प्रॉब्लम हो रही है, हर्निया का इशू भी है मम्मी को, पर अब पता नहीं वो इतना ज़्यादा पेन कर रहा है। गाइस मैं तो बस ये प्रे कर रही हूँ कि वो दवाई से ही थोड़ा बहुत ठीक हो जाए, रिलीफ मिल जाए। अदरवाइज़ उसका तो एक ही ऑप्शन होता है, विच इज़ ऑपरेशन, लेज़र ऑपरेशन कराओ या फिर कैसा भी कराओ। तो आजकल तो लेज़र ही चल रहा है। तो मैं असाइनमेंट कर रही थी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से बात कर लूँ एंड अपना व्लॉग स्टार्ट कर दूँ। सो यस, कंटिन्यू करेंगे हम इसको कल भी। एंड मैं बताऊँगी आप लोगों को, दिखाऊँगी। अभी तो मम्मी उनको नींद नहीं आ रही है तो वो अभी व्लॉग देख रही हैं, मेरा नहीं किसी और का। मतलब वो देखती रहती हैं ऐसे व्लॉग्स ना, ताकि उनका टाइम पास हो जाए। एंड गाइज मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, पता है 21 तारीख और 21 तारीख से है मेरे पेपर। और एक दिन में ना पता है ऐसे एक दिन में दो दो पेपर हैं, ऐसे हैं। मतलब एक 10:30 से 11:30 है और एक 3:30 से 4 ऐसे हैं। यार मेरे को बड़ा डर लग रहा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा अभी तो, मेरे नोट्स भी पूरे नहीं हैं, देख रहे हो पेजेस की हालत। तो ऐसा ऐसा हो रहा है। एंड अभी मैं असाइनमेंट कर रही थी जैसे मैं बता रही हूँ आप लोग को। सो आप लोग सो जाओ, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल। और देखो गाइज मैं झूठ नहीं बोल रही थी, 12 बजने वाले हैं। ओके गाइज, तो मैंने जितना हो सकता था उतना कर लिया असाइनमेंट। एंड आप बिलीव नहीं करोगे अभी 1 बजने वाला है। देखो 1 बजने वाला है, सब सो गए, मम्मी भी सो गई एंड अब मैं भी जा रही हूँ सोने। सो मिलती हूँ आप लोगों से सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। सो अभी हो रहा है सुबह के 6 बज रहे हैं एंड अभी उठी हूँ। एंड ये कुकर, इसमें आलू है क्योंकि चुच्चू को स्कूल जाना है ना, तो उसके लिए। मम्मी भी उठ गई है, वो बिना उठे तो मानती नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ उनको हम थोड़ा थोड़ा काम करने देंगे, बाकी हम खुद देख लेंगे। एंड मैं रात को लेट सोई थी, फिर अभी उठ हुई हूँ तो अब मेरे को नींद आ रही है, सॉरी। पर कोई बात नहीं, बस जल्दी से हम ये काम करेंगे, ये भी बॉइल हो जाए, सीटी आ जाए, फिर हम उसको बना के देंगे आज सैंडविचेस आलू वाले। सो यस, उसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। सो गाइस, आलू बॉईल हो गए हैं और मम्मी ने कहा है कि बिना कुकर को धोने उसमें बस पानी निकाल के ये चने भी उसमें डाल के बॉईल कर दें। सो ऐसी सीटी आ जाएगी। एंड आलू रख दिए हैं यहाँ पे ठंडे होने, ठंडे होंगे तो हम इनको पील करके फिर जल्दी से सैंडविच बना देंगे। पापा गए हैं ब्रेड लेने, रात को ब्रेड लेना हम भूल गए थे तो हम फ्रेश फ्रेश ब्रेड्स ले लेते हैं। ओके सो राइट, से यहाँ पे मैंने आलू मैश कर दिया है एंड पापा ब्रेड भी लेकर आ गए हैं। एंड पता है गाइस, मेरा ना रात से सूजी कह रही हूँ, सॉरी, इलायची वाला ना रस खाने का मन हो रहा था तो मैंने अपने लिए मंगा लिया है। सो पहले जल्दी से चूचू का टिफ़िन बना देते हैं। इसमें हमने दूध उबाल लिया है, फिर हम सबके लिए चाय बनाएंगे। उसमें भी चने हो रहे हैं, उसमें भी सीटी नहीं आई,
एक सीटी आने के बाद उसको स्लो कर देना है। सो यहाँ पे रेडी हो गया इसका टिफिन एंड बॉटल एंड अब इसके लिए बनाया है दूध। सो अभी पिएगा दूध। ओके गाइस, सो अब ये पी रहा है दूध एंड आज ये बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। पता नहीं ये क्या कर रहा था बाथरूम में, इसने 2 घंटे लगा दिए सजने सजने में ही। 2 घंटे ही लगाए हैं भाई, एक तो लगाया ही है, एक भी नहीं लगाया मैंने, एक को लगाया। एंड गाइस अभी जा रहा बाय। सो अब हम बनाएंगे चाय सबके लिए, हैं नहीं ले चले जाए इसे भी जगह ऐसी ग्लास लेकर जा रहा था स्कूल। सो अब हम बनाएंगे चाय सबके लिए एंड मैंने आप लोगों को बताया था ना मैंने रस मंगाया अपने लिए क्योंकि मेरा बहुत मन हो रहा था। गाइस ये बड़े पापा बड़ी मम्मी के लिए रेडी हो गई है चाय मॉर्निंग की। Hey guys, so अब हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, मेरा मम्मी का पापा का हम सबका। मैं व्लॉग में लग गई, मम्मी अपना कुछ सूट वगैरह देख रही हैं, उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है गाइस। मतलब आज फिर भी थू नज़र ना लगे ऐसा है कि वो थोड़ा उठ के बैठी हैं, बट नहीं उनकी तबीयत ठीक नहीं है अभी। हम मैंने बताया था ना आपको रात को कि हम जाएंगे आज हॉस्पिटल, सो यस अभी हम जाएंगे, मतलब ऐसे ही 10:20, 10:25 पे यहाँ से निकलेंगे। पापा अपना बाहर वो हरियाणवी ड्रामेज देखते हैं तो वो देख रहे हैं। अब बस कुछ नहीं होगा, ये वाले थोड़े से बर्तन है ये मैं साफ करके एंड फिर मैं 1 घंटे सोऊंगी फिर नहा के हम जाएंगे। मैं मिलती हूँ आप लोग उससे निकलते वाले टाइम पे। तो गाइस मैं नहा ली हूँ एंड मैं रेडी भी हो गई हूँ एंड अब मैं और मम्मी जा रहे हैं हॉस्पिटल। अभी वी आर कन्फ्यूज कि हम कौन से हॉस्पिटल्स हैं बिकॉज ऐसा कोई डॉक्टर किसी का सजेस्टेड हमें नहीं है क्योंकि ये प्रॉब्लम किसी को भी नहीं थी हर्निया की, तो इसलिए अब मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि मेट्रो चलते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। पापा को कुछ काम है तो बस मैं और मम्मी ही जा रहे हैं एंड मैं मम्मी की पुरानी सारी रिपोर्ट्स ले लेती हूँ एंड यस फिर चलते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। गाइस मम्मी वो आ रही हैं और ये मैंने ले लिया सारी पुराने वाली रिपोर्ट्स एंड अब हम जा रहे हैं एंड अभी भी हमारा ये डिस्कस नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, बट हाँ हम मेट्रो ही जाएंगे ठीक है। सो गाइस मैं मिलती हूँ आप लोगों से पहुँचने के बाद। बाबा गाइस मेरी मम्मी तो फूलों के पीछे पा रही। सो गाइस अभी हम आए हैं मेट्रो एंड यहाँ पे जो सर्जन है जनरल सर्जन को दिखाना है तो वो बैठेंगे 3:30 बजे, क्या मतलब उनकी टाइमिंग ही 3:30 से 4:30 है तो यस एंड तब हम अभी तो मतलब 11 ही बज रहे हैं अभी तक तो मैं सो भी लेती और पर वही है ना हमें यही होता है ज़्यादातर डॉक्टर्स 12 बजे तक ही बैठते हैं तो इसलिए हम आ गए थे। अभी यहाँ पे 12 की मार्केट है तो मैं मम्मी को वहाँ लेके जाऊँगी ऐसी घूमने फिरने और कुछ नहीं, फिर हम घर भी जा सकते हैं क्योंकि अभी 4 घंटे हैं तो 4 घंटे तो बाहर रहना इम्पॉसिबल है किसी मार्केट में भी। सो इसलिए पापा को बुला लेंगे हम, पापा भी फ्री हो जाएंगे आधे पौने घंटे में फिर वो हमें ले जाएंगे। मैं मम्मी को पिला रही हूँ जूस, मन कर रहा है जूस का ऑर्डर दे भी दूँ और एक मन ना ऐसे हो रहा है डॉक्टर की बात याद आ रही है, एक डॉक्टर ने मुझे बोला था कि बाहर के जूसेस ना बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं तो पता नहीं अभी मैं मम्मी से पूछती हूँ। मम्मी मम्मी वो डॉक्टर अश्विनी ने क्या कहा था कि बाहर के जूस जहर होते हैं? गाइस मेरी मम्मी का रिएक्शन, चलो उस वाले से पियेंगे जो बड़ा वाला है ना वहाँ पे। गाइस तो देखो मेरे को ना यहाँ पे अच्छा लग गया, मतलब ये पूरा सेट है, मैं दिखाना एक बार, ये इसके साथ ये है नीचे एंड ये पूरा सेट है और इसका प्राइस है 750। मैं सोच रही हूँ मैं ले लूँ लेकिन इसमें ना अंदर फर नहीं है गाइस, तो देखते हैं अभी मैं मम्मी से पहले पूछती हूँ। मम्मी तो कह रही है ले ले अच्छा लग रहा है बट मैं कह रही हूँ मुझे फर वाला चाहिए और भैया कह रहे हैं फर वाला आएगा थोड़े टाइम बाद आएगा लेकिन मेरे को ऐसे में चाहिए जैसे इनके अंदर फर होता है ना ऐसे, मेरा जो पिछले वाला नाइट सूट है वो भी ऐसा ही था फर वाला, तो देखते हैं अभी। सो गाइस हमने खा पी लिया है दोनों ने, मतलब मम्मी ने ज़्यादा नहीं खाया सिर्फ 1 स्पून ली थी
तो इसलिए मैंने उनके लिए साइड में कढ़ी पकौड़ा डलवा दिया था। मम्मी को कढ़ी पकौड़ा बहुत पसंद है और अब हमने घर के लिए पैक करा दिया है। घर के लिए क्या मतलब, चूचू स्कूल से आएगा फिर वो ड्रामे करता कि मैं चने नहीं खाता, ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, तो इसलिए उसके लिए पैक करा लिया है। पापा के लिए कढ़ी पैक करा लिया है। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से घर जाने के बाद, क्योंकि देखो ऐसा इस 3 बजे तक का टाइम तो नहीं कटता यहाँ पे ऐसे मार्केट में, है ना। तो अब हम 3 बजे ही आएंगे एंड साथ के साथ उन्होंने बोला आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, तो आप तुरंत से तुरंत करा देना। घर आ गए हैं, मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं एंड अब गाइस पता है मेरी ना नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पा रही है। मेरा ना बहुत मेरे को अजीब अजीब हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे हेडेक भी है और मैं अच्छा फील भी नहीं कर रही हूँ। तो इसलिए अभी बज रहे हैं 11:58। अरे क्या हो गया, हाँ 11:58 हो गया। तो अब मम्मी को पानी दे के एंड थोड़ी सी किचन गंदी गंदी सी हो रही है उसको थोड़ा सा साफ करके, मतलब एक बार जस्ट कपड़ा वपड़ा मारना है, बर्तन वर्तन तो हो गए, बस ये पड़े हैं एक दो, वो करके और फिर मैं सोऊंगी। मतलब 3 बजे जाना है तो अभी मेरे पास 3 घंटे हैं, मैं सो सकती हूँ। और 3 घंटे तो पूरे कोई भी नहीं सोता, मैं 2-2.5 घंटे आराम से मैं सो सकती हूँ। सो यस, मैं बोलती हूँ आप लोगों से उठने के बाद। गाइज मैं सुपर उठ चुकी हूँ और हमारे घर में लापरवाही है कि अगर मैं सो रही थी तो मुझे उठा नहीं सकती थी मेरी मम्मी। और अब 3:30 बज गए हैं यहीं पे और 4 बजे डॉक्टर उठ जाएगा। और अब खुद भी तैयार नहीं थी, वो व्लॉग देख रही थी। अब बताओ क्या कर सकते हैं। एक तो मैं सोई 2 बजे थी, जब मैं आपको बोल रही थी ना 12 बजे सो जाऊंगी, मैं 2 बजे सोई थी क्योंकि हमारे घर में कोई ना कोई आ गया था, तो फिर चाय वगैरह ये सब कुछ करना होता है। इसलिए भाई अब देखते हैं, अगर डॉक्टर मिल जाए तो मैं बस विश कर रही हूँ कि मिल जाए। ऊपर से मेरे को इतना गंदा सपना आया ना, मेरी आँख खुली की ऐसे खुली रह गई अभी, बहुत अजीब हो गया गाइस। गाइस टाइम हो गया 4:20 एंड लकीली सिर्फ 10 मिनट बचे हैं डॉक्टर के उठने के लिए, तो हम लोग 10 मिनट पहले पहुँच गए हैं। जल्दी से अपॉइंटमेंट लेते हैं एंड देन मम्मी को दिखाते हैं, तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ डॉक्टर को दिखाने के बाद। ओके गाइस, सो हम घर आ गए एंड मैं वहाँ पे आपको अपडेट नहीं दे पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गई थी एंड ये सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल है, तो इसलिए मैं टेंस्ड हो गई थी। डॉक्टर ने लाइक 2-3 दिन में सर्जरी के लिए बोला है, तो अभी देखते हैं, अभी घर पे बात करते हैं। अभी मैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ एंड डॉक्टर ने मम्मी को कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है। Keep supporting guys. Bye bye, take care, love you.